मोहतरम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं सरप्रस न्यूज़ लाइव। सरप्रस न्यूज़ लाइव में आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे मगरबी बंगाल के हर एक कोने में दावत इफ्तार का सिलसिला इसी तरह जारी है। अब से कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने पाक सर्कस मैदान में विटनेस किया, वहाँ पे बहुत ही बड़ी दावत इफ्तार ऑर्गेनाइज किए हमारी ऑनरेबल CM के जानिब से। तो ऐसी सूरत हाल में आज डायरेक्ट हमारी सरप्रस की टीम आ पहुंची है आपका कल्याणी मेंशन। जी हाँ, आप लोगों को बता दूं, जहाँ पे बारबेक्यू रेस्टोरेंट के यहाँ पे इंचार्ज है मोहम्मद फारूक जी। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, आज इन्हीं के सरप्रस्ती में ये दावत इफ्तार की महफिल सजाई गई थी और ये JP वेलफेयर एडुकेशन के जानिब से ये प्रोग्राम हो रही थी, जिसके ये कुछ जनरल सेक्रेटरी है। चलिए हम लोग ऐसे सूरत हाल में एक क्विक बाइक लेने की कोशिश करते हैं जनाब मोहम्मद फारूक जी से, जानने की कोशिश करते हैं आज के इस प्रोग्राम की ये सक्सेस के बारे में, कामयाबी के बारे में। इतनी शानदार, इतनी आलिशान हम लोगों ने देखा, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे इंतजाम की गई थी बहुत ही अच्छे एहतराम के साथ। और जैसे कि हम लोग देखा कि यहाँ पे वाकई में हर कोई इनके इंतजाम की तारीफ़ कर रहा था। किसी भी चीज़ हलीम से लेके हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, हर तरह के फ्रूट्स से लेके हलीम से लेके मतलब हर चीज़ यहाँ पे जी, फ्रूट जूस से लेके हर कुछ जी, दही बड़ा था। चलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एक क्विक बाइट्स लेने की कोशिश करते हैं मोहम्मद फारूक जी। मोहम्मद फारूक जी, सबसे पहले हमारे सरप्रस न्यूज़ लाइव में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जितने भी लोग सुन रहे हैं, हमारे सुनने वाले लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और गुड इवनिंग सर। जी सर, हम लोग बात कर रहे हैं आज की जो दावत इफ्तार की महफिल सजाई गई थी आपके जानिब से, तो इस पर सर थोड़ा रोशनी डालें, ये क्या क्या इंतजाम था सर और कितने सालों से आप लोग करते आ रहे हैं इसके बारे में। 2004 से स्टार्ट किया, 2004 में सबसे पहली बार मेरे साथ जनाब सुब्रत मुखर्जी और जनाब रमन पांडे जी थे और CPM के मोहम्मद निजाम साहब थे और हमारे जो मेन बॉस थे कोठारी जी, मिस्टर बाबा साहब कोठारी जी, कोठारी जी जी, तो उन्हीं का मेहरबानी था। हम लोग गेट टूगेदर छोटा सा 10-12 दिन अफ्तार को बुलाया, तो उसी दिन हमको सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि फारूक तुम्हारे तो भलो जगह आज तुम्हारे मालिक गुड मालिक, तुम्हारा एक अफ्तार पार्टी आयोजन करो, हम तुम्हारे संगे थको। तो 2005 में एक अफ्तार पार्टी का मैंने किया जिसमें लोग 150 आदमी थे। उसके बाद माशाल्लाह हमारा अफ्तार पार्टी चलता रहा जी जी। और हमारे बॉस भी इजाजत दे दिए, पूरे दोनों हॉल 3 घंटे के लिए बंद करवा देते थे मेरे लिए और पूरा AC UC सब स्टार्ट करवा देते थे। तो माशाल्लाह बढ़ता गया, 500-600 का गैदरिंग होने लगा जी। तो आज मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आज ऐसा हुआ बिल्कुल सर, आप शॉर्टकट में ना बताए, पूरा वक्त है हमारे पास। तो ऐसा है कि फिर हम देखे बारबेक्यू में काफी भी होने लगा, अल्लाह ने चाहा अच्छा खासा यहाँ ये, तो हम खुद सोचा कि भाई बॉस को तकलीफ क्या दे, उनका बिजनेस 2 घंटा डल क्यों करे। तो मेंशन के अंदर मेंशन के बॉस से मेरी बात हुई, तो उन्होंने वेलकम फारूक करो तुम्हारे साथ है, तो उन्होंने इजाजत दिया, उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ और मेरे राजीव कोठारी साहब को भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो कल्याणी साहब ने मुझे इजाजत दिया, अच्छा खासा पंडाल बना, हजारों की तादाद में लोग आए बिल्कुल, और माशाल्लाह सबों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, जो जो लोग आए उनके ऊपर मैं शुक्रगुजार हूँ। और हमारा सिर्फ पैगाम यही है भाई कि मिल मोहब्बत और एकता का प्रोग्राम, हमारा इस्लाम बताता है सबसे बड़ी चीज जो इत्तेहाद है, आपस में इत्तेहाद रहेगा, मुल्क भी अच्छा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, लोग भी अच्छे अच्छे चलेंगे, भाईचारे भी बनता रहेगा बिल्कुल। आज हम लोग जहाँ पाकिस्तान में काम करते हैं तो सारे जो लोग हैं यहाँ पर जी, अपने घर में हो सकता है 2-3 घंटा टाइम देते होंगे, 8-10 घंटा टाइम यही देते हैं जी। तो हम यहाँ के लोगों से बहुत मुतासिर हैं और हमसे भी बहुत से लोग मुतासिर हैं, हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन हमको यहाँ CPM तृणमूल कांग्रेस के लोग सभी जानते हैं, उन लोगों को ऐसा प्रोग्राम हो जाता गड़बड़ गड़बड़ हमको लेके जाते हुए माशाल्लाह मेरी इज्जत करते हैं लोग, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जितने होटल वाले यहाँ रहने वाले हैं। और ये जो काम मैं मोहब्बत के लिए करता हूँ भाई, जो राहत तंदूरी साहब का सर है ना कि फूलों की दुकान खोलो जी और खुशबू फैलाओ, क्या बात, तो बस मैं भी वही चाहता हूँ भाई, सब मोहब्बत मेरी, कोई ये फोटो में आना या कैमरा में आना, मैं 16 साल से कर रहा हूँ और लोग करते हैं कि क्या यहाँ सर, आप तो बाइट्स भी देना नहीं चाहते, हम लोगों ने आपसे फोर्स किया तब जाके यहाँ, आप कैमरे में भी आने नहीं चाह रहे थे जी, मेरी मोहब्बत से सब चले, बस एकता रहे और सब मिल के चले, हमारा देश बहुत महान देश है, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी अभी उभरी है जो इस देश को बदनाम करना चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी से दुश्मनी मेरी नहीं है, किसी पार्टी को मैं खराब नहीं बोलता, मिल के चलो भाई, और देश के जो बच्चे हैं उन लोग से हमारी आगे फ्यूचर है, बच्चों को देखिए, तालीम की तरफ ख्याल कीजिए और मिल मोहब्बत से रहिए, कोई जात धर्म में मत जाइए भाई, एकता में ताकत है और एकता को तोड़ देंगे सब, टूट जाएगी भाई,
एकता रखिए सब। फारूक जी, आज हम लोगों ने आपके दावत इफ्तार में विटनेस किया, यहाँ पे सिर्फ सर मुसलमानों की इंतजामात नहीं थी बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग यहाँ पे नजर आए, सब खुश नजर आए, सबने आपकी तारीफ की। इसकी वजह क्या है सर, हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है? इसकी तारीफ यही है, एकता और इखलास। मेरे को 2 बजे रात को भी कोई बुलाते हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, मैं 2 बजे रात को धोके चले आता। एक बार मैं सोया हुआ था लुंगी पहन के और 2 बजे रात को खबर आई, मेरे यहाँ एक नॉन मुस्लिम है, नाम नहीं चाहता मैं, तो मैं अपने घर से लुंगी पहन के भागा टैक्सी पकड़ के और आके उसको लेके पीसी गया। तो यही मोहब्बत है, बस यही एकता, कोई लालच नहीं, ना मेरे को नेता बनना है, ना मेरे को कुछ करना भाई, एक छोटा मोटा आदमी छोटे बन के रहो, बस इज्जत चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए सर। दौलत तो आ जाएगी लेकिन इज्जत नहीं आएगी। जी जी सर, आने वाले कल में जिस तरह से आप पब्लिक का दिल जीत रहे हैं, आवाम का दिल जीत रहे हैं, आप काम करके दिखा रहे हैं, आने वाले कल में अगर आपको मान लिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है आपको इससे भी बड़ा मौका प्रोग्राम करने का मौका दे, क्या आप खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, मैं सोशल काम करने देंगे तो मैं 1000 बार जाऊँगा जी, और अगर पॉलिटिकल काम होगा मैं 1000 पक्का पीछे हो जाऊँगा। पॉलिटिकल से मेरे को नफरत है, पॉलिटिकल क्या बात है, क्या बात है, देखिए कितनी अच्छी सोच है इनकी, कितनी अच्छी, लोगों के खास अच्छे के लिए मैं लोगों के दिलों जान से हाजिर हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अगर कुछ होगा तो उससे भी मैं साथ दूंगा। जी हां सर, चलिए हम लोग स्पोर्ट्स के हवाले से भी एक क्विक, क्योंकि कल मोहम्मदन की जीत हुई है सर, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की जीत हुई है, स्पोर्ट्स पे भी अगर कुछ आप एक दो लफ्ज कह दें तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारे सर कोलकाता स्पोर्ट्स से बहुत फुटबॉल लवर है। जी सर, सर मैं पूछ रहा था कल मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की जीत हुई है, ISL में क्वालिफाई कर गए सर, क्या 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 पैगाम पेश करना चाहेंगे? मैं बहुत खुशी हूँ इस चीज से, और मेरी धर्म या मोहम्मदन जीती, या कलकत्ता की पार्टी जीती है, मोहम्मदन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कलकत्ता की पार्टी जीते, कलकत्ता के जैसा ये KKR जो जीत रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं कलकत्ता जीती, यहाँ कोलकाता की जीत हुई जी, मैं बहुत खुश इससे और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जितने भी टीम इसमें खेले हैं, और मोहम्मदन स्पोर्टिंग का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और भी आगे बढ़े, मेरी दुआ है दिलो जान से कि और भी आगे बढ़े। सर अभी माध्यमिक की भी परीक्षा हुई है, लोग स्टूडेंट के आप क्या पैगाम पेश करना चाहेंगे जो जो एग्जाम अभी एग्जाम दे रहे हैं और जो दे चुके? मैं बच्चों के लिए ये दुआ करता हूँ, बच्चों को ये करता हूँ, ये मोबाइल को दूर करें, बच्चों से मेरी प्रार्थना ये है और मेरी ये इल्तिजा है कि मोबाइल को दूर करें और तालीम को आगे, मोबाइल जिंदगी भर चलेगा, तालीम को आगे बढ़ा, तालीम की बहुत बच्चों की जरूरत है, अभी कलकत्ता में तालीम की बहुत माशाल्लाह अभी तालीम आ रही है, तालीम में लोग आगे जा रहे हैं, और ये जो बच्चे हैं जो खेल कूद करते हैं मोबाइल से खुदा के लिए दूर भागे, और उनके माँ बाप से मैंने भी दिल दिया है कि मोबाइल से दूर रखिए, बच्चों को पढ़ाइए, अभी तालीम बहुत जरूरी है, आने वाला वक्त में तालीम लेने का कुछ नहीं हो सकता है, तालीम बहुत जरूरी है, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ। लोग तो तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं तरबियत की कमी हो जाती है, ये इसमें तरबियत उसको किया जाता है, इसमें मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी कमी है घर में जो माँ बाप की, सबसे पहले कमी है माँ बाप की, सबसे पहले जो माँ या बाप जो उसको मोबाइल मुल के देता है वहीं से फिनिश, और माँ बाप बढ़ावा दे रहे भाई ये मोबाइल आज इसका वो अपील कर ले लो, ये इसका ये पैसे का तुम्हें ताकत दिखा रहे, वो आगे चल के बहुत दुश्मनी होगा, बच्चों से मोहब्बत नहीं हो रही है, दुश्मनी हो रही है, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़, ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, मेरे साथ गुजर चुका, मैं गुजर रही है, ठीक है, तो मैं माँ बाप से गुजारिश करता हूँ बच्चों को मोबाइल से दूर के तालीम आगे बढ़ाए भाई। देखिए आज हम लोग अपने मोहल्ले में जाते हैं, आप रात को 12:30-12 बजे देख लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल जैन से बैठे हुए, ये कौन सा तरीका है, हम लोग के बच्चे थे भाई, रात 9 बजे के बाद सब सो जाएगा, अभी रात जब 2 बजे, ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छा सही नहीं है, बहुत गलत चीज है, तालीम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ कुछ जगह में मेरी पॉइंट ये है कि मोबाइल से दूर रखे बच्चों। अच्छा फाइनली जिस मौके पे आज ये दावत इफ्तार सजाई गई है, मैं बात कर रहा हूँ आने वाले ईद के मौके पे सर, तो आने वाले ईद के ऊपर एक सर छोटा सा पैगाम पेश करें। भाई ईद के मौके में मैं पैगाम तो बहुत अच्छा देना चाह रहा था लेकिन मेरे दिल बहुत दुखी है, अभी ये जो फलस्तीन पर जो हो रही है बिल्कुल इसको लेके सर समझ सकते हो, देखिए सर खुद इमोशनल हो गए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग में जुड़ने के लिए आप सभी का जी जरूर सर, देखिए सर अंदर से फलस्तीन के लिए कितना कितना मायूस हो गए सर, कितने दुखी हो गए आप देख सकते हैं, ये मुसलमान मर रहा, ये मत सोचिए हम सबों को ये बोलिए मुसलमान रही, इंसानियत मर रही है, लोगों को सोचना चाहिए इंसानियत मर रही है, यहाँ हम लोग बहुत खुशी से कपड़ा खरीद रहे हैं और अवतार कर रहे हैं, वहाँ अवतार के बगैर किसी को पानी नसीब नहीं हो रहा, भूखे मारे जा रहे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है, मैं हुकूमत से भी और सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कुछ तो नहीं कर सकते हो, दिल में दुख तो करो, कम से ईद के दिन जो अपने 10,000 का काम करोगे उसमें से 5,000 भेजो शहीदों के लिए, भेजो मासूम बच्चों के लिए, भेजो फलस्तीन के लिए, मुझे बहुत दुख है, ईद का पैगाम करो, अल्लाह सबको खुशी से दे, खुशी दे,
लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता जी सर। अल्लाह उन लोग को और भी ताकत दे, अल्लाह की से मदद अता फरमाए, आमीन। और सब उनको पूरी हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि उन लोगों को साथ दे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लाइव ब्रॉडकास्टिंग में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now